गया है। राम मंदिर ट्रस्ट में तवज्जो नहीं मिलने से शंकराचार्य स्वामी स्वरूप आनंद के उत्तराधिकारी स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद की टीस एक बार फिर सामने आ गई है। हरिद्वार में स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर डाली है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट में सैकड़ों वर्षों से संघर्ष करने वाले पक्षकारों और धर्माचार्यों को दरकिनार करते हुए भाजपा और संघ के लोगों को रख दिया गया है। उन्होंने ट्रस्ट में शंकराचार्य सहित देश के सभी प्रमुख समुदायों पंथों के धर्माचार्यों को शामिल कर नया ट्रस्ट बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के आड़ में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा द्वारा मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा उगाही में भारी अनियमितताओं का भी आरोप लगाया है। 65 साल से मुकदमा लड़ा गया, जो मुकदमे के पक्षकार थे उन पक्षकारों को एक तरफ कर दिया गया, मुकदमा लड़ करके मुकदमे को पका दिया गया। तब आंदोलनकारी ये लोग आ गए जो राजनीति में सत्ता स्थापित करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और इनके विश्व हिंदू परिषद के लोग ट्रस्ट में बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें बैठ गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बैठ गए। सच्चे संत, सच्चे साधु संत, सच्चे राम भक्त, इनको तो उसमें जगह ही नहीं दी गई। कार्यकर्ता लगा करके घर घर जा करके नॉक किया जाए और कहा जाए जब दरवाजा खुले कि हमको चंदा दो, ये वाली कूपन, ये वाली कूपन, ये वाली कूपन, ये तरीका अपने देश में कभी नहीं रहा है। तो इसलिए स्वेच्छा से जो लोग आपने सार्वजनिक कर दिया कि एक खाता नंबर हमने खोल दिया है, अब होना ये चाहिए था कि उस खाता नंबर में आपको पैसे आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। अच्छा वक्तव्य हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। तो जब इतना सारा आ रहा था तो फिर अब आपको घर घर जाके दरवाजा ठोकने की जरूरत क्यों पड़ रही है? असल बात क्या है बंधु, कि राम जन्मभूमि में जो राम मंदिर बनने की बात थी, जिसके लिए 500 वर्षों से संघर्ष हो रहा था, 3 लाख लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, राम जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास बना। और इसी के साथ इस बुलेट